थी कि मैं भी ठीक हूँ अलहमदिल्ला, यकीन आप लोग भी ठीक होंगे। मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर से, यहाँ पर मैं लेट नाइट सोया था, तो फिर मेरे तेज आ, फिर उसके बाद मैं 1-1.30 बजे तक उठा था दोपहर में। उसके बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद यहाँ पर मैं दोपहर के टाइम में खेल रहा था अपने कमरे में, और यहाँ पर मेरी मम्मा ने लाइट्स ऑफ की हुई थी क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ पर लेटी हुई थी, वो नींद भरने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने सोने नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि मेरे साथ खेलो क्योंकि मुझे अकेले खेलना पसंद है, और मेरे अगर कोई भी आगे सोया हुआ होता है तो मैं उसे उठाती थी। मैं कहता हूँ नहीं, मेरे आगे कोई सोए नहीं, मैं सोऊँ तो मुझे कोई उठाए नहीं, और जब सो सोए तो मैं उठाता रहता। तो यहाँ पर मेरी मम्मा लेटी हुई थी, उन्हें करने की कोशिश कर रही, बट मैं बार बार उनके ऊपर गिर रहा था, बार बार ताकि वो उठ जाए। वो लेटी हुई थी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैं उनके उनके ऊपर गिर गया। उसके बाद मैं आगे गया, कागज़ वगैरह के साथ खेला था, और यहाँ पर मेरे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल था क्योंकि मैं अपने दादा अम्मी को बहुत मिस कर रहा था। तो फिर मैं उनसे अपने फ़ोन पर, मतलब मोबाइल पर उनसे बात कर रहा था। तो यहाँ पर मेरी मोबाइल की लाइट भी चल रही थी और मैं बात भी कर रहा था। हो गया था, दादा दादा जल्दी आओ, आप कहाँ हैं, जल्दी हैं प्लीज़ दादा जल्दी हैं। तो दादा फाइनली, फिर यहाँ पर मेरा रोना स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरी मम्मा नहीं उठ रही थी। तो फिर फाइनली यहाँ पर मेरी मम्मा उठ गई, और उसके बाद मैं अपना ये मेरी वॉच है, स्मार्ट वॉच, तो इससे मैं पहनने की कोशिश कर रहा था, और पीछे मेरे कार्टून्स भी चल रहे थे, पर मैं अपनी वॉच में लगा हुआ था, मैं उसे पहनने की कोशिश में लगा हुआ था कि मैं पहन पाऊँ, बट मैं नहीं पहन पा रहा था। कोशिश तो मैंने बहुत की, और उसके बाद मेरे ये शाम को कजन्स आए थे, ये स्टे करने आए थे, मतलब ये रात को हमारे पास ही थे, मतलब रहे थे। तो मैं उनके साथ खेल रहा था, और ये मेरा छोटू है, मेरा बॉडी गार्ड, इसके साथ मैं खेलता हूँ। तो मेरा कज़न पीछे छुप गया था बेड के पीछे, तो मैं उसे ढूंढने जा रहा था, मैं उसे ढूंढने जा रहा था, तो मैं खुद ही पीछे जाके छुप गया, पीछे जाके छुप गया। उसके बाद मेरी मम्मा ने मेरे छोटू को बोला कि जा उसे पकड़, तो वो मेरी गोद के साथ खेलने लग गया, और मैं खुद घुस गया। आपको देख देख रहे कैसे मैं अंदर जा रहा हूँ, और मैं अंदर जाने की कोशिश करता बट मैं चला गया। फिर मेरे छोटू ने मुझे पकड़ा और बाहर निकाला, और मैं इतनी शरीफ की तरह बाहर आया था कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर मेरा दूसरा कज़न भी आ गया, और ये मेरी जो मिस किस नेट पर मैं बैठ के खेलता हूँ अपने सारे प्राइजेस, तो उस पर वो क्या कहते हैं, वो उसे पता नहीं क्या कर रहा था, कभी उसे खोल रहा था, कभी उसे बंद कर रहा था। तो फिर मैं आया, फिर मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या कर रहा है, मैं भी करूँ। तो फिर मैं बैठने की कोशिश कर रहा था, माशाल्लाह से मैं देखो मैं खुद बैठ गया, तो मैं बैठा और क्या मैं उसके पास। उसके बाद मेरे छोटू ने मुझे गोट दिखाई, फिर मेरा ध्यान उस गोट पर हो गया, फिर मैं गोट के साथ खेलने लग गया। उसके बाद ये गोट ऊपर नीचे कर रहा था, बट मेरी गोट का कान भी निकल गया, और ये मेरा कज़न मुझे बोल रहा था मुझे भी ब्लॉग में लो। मैंने कहा हाँ, फिर मैंने अपना इसमें अपना एंट्रो दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने क्या कहते हैं कज़न के साथ खेलना, यहाँ पर मुझे चोट भी लगी थी, मैं गिर गया था, बट वो ब्लॉग मेरी मम्मा ने नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त मेरी मम्मा ने कैमरा जैसे ऑफ किया, और मैं क्या कहते हैं गिर गया। और आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते